चिकित्सा विभाग में राजस्थान सरकार ने 8 केडर पर जो भर्तियां निकाली हैं, वह नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल भर्तियां हैं। उनमें से 4 केडर की प्रोविजनल सूची जारी कर दी है और उनकी परिवेदनाएं भी ले ली गई है, लेकिन जो 4 बड़े केडर हैं उनकी प्रोविजनल सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। और परिवेदना तो कहां से मांगेंगे, और आचार संहिता बहुत नजदीक आने वाली है, इसलिए सभी केडर वालों को ये डर सता रहा है कि आखिर हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। हमने अभी डेलीगेशन के माध्यम से सीएमओ में जो बात करी है, ललित जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है सीएम साहब की, उनसे बात करी है, तो उन्होंने हमारे डेलीगेशन को ये बताया है कि हम आपकी प्रोविजनल सूची जारी कर देंगे, लेकिन इस सरकार में हम आपको नियुक्ति नहीं दे सकते। जबकि जो एजेंसी ने इस भर्ती का ठेका ले रखा है, तमाम जो 8 केडर की भर्तियों का ठेका ले रखा है, वह हमें ये बोलते हैं कि हम नियुक्ति देने की कोशिश करेंगे। तो सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय बोलते हम नियुक्ति नहीं देंगे, और एजेंसी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो ओपी थाकन साहब है, वो बोलते हैं कि हम नियुक्ति देने की कोशिश करेंगे। तो इस लफड़े में हम फंस चुके हैं, और इसी को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी प्रोविजनल सूची जल्दी से जल्दी जारी की जाए, और जो परिवेदनाओं का समय आपने जो 6-6, 7-7 दिन हर कैडर में कर रखा है, इसको आप 48 घंटे का कर करके और फाइनल मेरिट सूची निकाल करके तुरंत प्रभाव से सभी 8 कैडर को ज्वाइनिंग दे, ये हमारी मांग है। और इसी मांग को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और हम चाहते हैं सरकार हमारी मांग सुने, हमारी जायज मांगे, और इसी सरकार ने हमसे वादा किया है। और गहलोत साहब कहते हैं कि जो मांगोगे वह मिलेगा, तो हम मांग करते हैं कि हमारे पूरे 8 केडर को आप इसी सरकार में आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति दे दे। मैं सुनील कोटा, नर्सेज कार्यकर्ता। फार्मेसी एकता जिंदाबाद, पैरामेडिकल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, फार्मासिस्ट का दर्द बहुत पुराना है। 2018 में भी हमारी भर्ती को निरस्त कर दिया गया था, 2013 के बाद में आज 2023 चल रहा है। 10 साल से इंतजार के बाद में भी एक बार फिर से गहलोत साहब सरकार से हमारी गुजारिश थी और हमारी उम्मीदें थी कि हमें इस बार ये अवसर मिलेगा, भर्ती पूर्ण होगी। और सरकार ने लगातार हमें आश्वस्त करते हुए और इस तरह का एक लॉलीपॉप देते रहे हमेशा कि भर्ती पूरी होगी, अभी आपका ये प्रोसेस चल रहा है, अभी ये चल रहा है। एक महीने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में एक डाटा का एक जो इन्होंने एक्सक्यूज लिया था उसको करके एक महीने का टाइम निकाल दिया, जो कि इनकी जिम्मेदारी थी, और उसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा इन्होंने कि आप लोगों का डाटा कंप्लीट नहीं था। उसके एवज में इन्होंने एक महीने का समय बर्बाद करके और इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि आज हमारी प्रोविजन लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, और हमें उम्मीद भी नहीं लग रही है कि सरकार करवा पाएगी। ACS मैडम को जिम्मेदारी दी थी सरकार ने कि आप भर्ती को पूरा करवाएंगे, ACS मैडम लगातार हम लोगों को आश्वासन देती रही कि इससे आचार संहिता से पहले हम सब आपको नियुक्ति देंगे, तो नियुक्ति तो दूर की बात है। आज दिनांक तक हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, 10 साल का दर्द है, और हम लोगों को प्रोविजनल सूची का भी कोई उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में हमारे पास में आमरण अनशन या यहीं खड़े खड़े मर जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद भी सरकार अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे सकती तो सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्पेंद्र सिंह जाधव, फार्मासिस्ट। जिंदाबाद। इसी फार्मासिस्ट मांगों के साथ मैं दीपक कुमार चंगाणी सरकार से आमरण अनशन पर बैठने की इजाज़त चाहता हूँ, इसलिए हमने एक माननीय पुलिस आयुक्त साहब को पत्र लिखा है कि हमें आमरण अनशन पर बैठने के लिए, स्थान पर बैठने के लिए परमिशन दी जाए। जब तक नियुक्ति नहीं मिले तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे। जिनको ये जीवन का अंतिम मौका है ना, सरकार अगर ये चाहती है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, दोबारा हमको चांस मिले फिर हम इनको नियुक्ति दें, तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। सरकार दो बार हमको बेवकूफ बना चुकी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम दो बार सरकार का ये गेम देख चुके हैं। लास्ट टाइम पे हमारे साथ यही होता है, हम इस स्टेप से बैकफुट पर जाते हैं, और इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। हमसे जो बनेगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आमरण अनशन करके यही प्राण को त्यागने पर वो तैयार है। केंद्र की भर्ती लेकर यहाँ आए हैं कि हमें नियुक्ति दो, हमारा एक ही पर्पज है, हमें 8 केंद्रों की नियुक्ति आचार संहिता से पहले दो, ठीक है। हम न तो धरना करना चाहते हैं, नहीं हम यहाँ कोई दंगा करना चाहते हैं, नहीं हम किसी तरह की लड़ाई करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक हमारी नियुक्ति मांग रहे हैं। सबसे पहले सरकार कह रही है आपको नियुक्ति मिल जाएगी, तो हम सरकार से ये जवाब मांगते हैं कि नियुक्ति कब मिल जाएगी। जो नियुक्ति मिलेगी उसकी डेट डालो, केंद्र डालो, ज्वाइनिंग डेट तक का केंद्र हमें डालो, फिर हम विश्वास करेंगे। और दूसरी बात, इस बार सरकार ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी तो हम एक नहीं 20,000 के साथ 40,000 होते, 40,000 के साथ 60,000 होते,
60,000 वोट हम खाएंगे और आगे आए बीजेपी आई है कोई भी सरकार आई है उसे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो एग्जाम की तैयारी करके नौकरी लगना है, अब हमें ये तो श्योर हो गया, तो हम एग्जाम करके ही नौकरी लग जाएंगे। लेकिन हमें अगर इस बार आचार संहिता से पहले नियुक्ति नहीं देंगे तो हम कांग्रेस सरकार नहीं देंगे, और हमें इस प्रकार की अगर इस पार्ट ये अपने आचार संहिता से पहले हमें नियुक्ति मिल जाती है तो हम हमारा वादा करते हैं कि इस बार हम और हमारे परिवार इतने भाई बहन हम वादा करते हैं कांग्रेस सरकार को हम वोट देंगे और हम हमारी ईमानदारी से वोट देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम हमारे हक हमारे और हम सरकार से एक ही नियुक्ति है। सरकार उस टाइम कहाँ चली गई थी कोरोना काल में, जहाँ पे हम जान जोखिम डाल के कोरोना काल में परिवार भी चला गया, हम कोरोना के काल में हम हमारी जो भी जो जान जोखिम में डाल के मेरी सास ससुर कोई नहीं है, फिर भी हम बच्चे छोटे छोटे छोड़ के हम दूसरों के पास आए हैं, हमारी जान जोखिम डाल के हम सेवा दे रहे हैं 5,000 रुपए में, 7 साल हो गए नौकरी करते हुए संविदा पे लगे हुए हैं, उनके बावजूद भी हमको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या हमारे बाल बच्चे नहीं है संविदा वाले हैं हम, क्यों हमको हमारे साथ खिलवाड़ करी है गवर्नमेंट? जैसे सरकार को पता है इतने साल हो गए हमने सुविधा में काम करते, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के हम यहाँ आते हैं और हम उनको आश्वासन दे दे के भेज देते वापस, आज जो नहीं मिल जाएगी कल मिल जाएगी, डेली हम भीलवाड़े से बच्चे को ले लेके आते हैं, अभी तक उन्हें कभी ज्वाइनिंग नहीं मिली, हमारे को सिर्फ आचार संहिता पहले ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कांग्रेस सरकार से वादा करते हैं, हमारा परिवार और हम उन्हें कोई वोट नहीं।